हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रोशी स्टडी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेकंड वर्ल्ड वॉर और वहां पर डिस्कस किया था हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का रोल और सेकंड वर्ल्ड वॉर के इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुए यहां पर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान के कैबिनेट मिशन प्लान क्या था ये इंडिया क्यों आया और इसके क्या कंक्लूजन रहे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कि जब इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उस टाइम पर इंडिया का वॉइस रॉय कौन था और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड को लॉर्ड वेविल लॉर्ड माउंट या लॉर्ड विलिंगडन जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर की लास्ट में सो स्टे विद बिकॉज देयर इज अलाउट टू नो अलाउट टू डिस्कस बट बिफोर वी बिगिन अब आप रोश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस टेस्ट कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रोश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लेट्स स्टार्ट जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंपीरियल पावर्स ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफी वीक पड़ गए थे और उनका अपनी कॉलोनीज पर कंट्रोल रखना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और यहाँ पर इसका इफेक्ट ब्रिटेन पर भी आया और ब्रिटेन ने भी अपना वर्ल्ड पावर का टैग हो दिया और जब नाइनटीन में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए तो वहां पर विंस्टन चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे वहां पर उनकी पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी जिसकी प्राइम मिनिस्टर बने सर क्लेमेंट एटली वहां पर वो सत्ता में आ जाते हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इंडिया को आजाद करने का फ्री करने का प्रोसेस तेज कर देते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं एक डेलीगेशन इंडिया भेजने के लिए ये जो डेलीगेशन था इसमें प्रेजेंट थे के, के इसीलिए इसको के मिशन कहा जाता है और इसमें थे ब्रिटिशेंडर ये कैबिनेट मिशन इंडिया में आया इन 1946 और इसने प्रपोज किया एक प्लान इस प्लान के बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव थे एक तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन यूनियन और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन दोनों को को कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया फ्री करने का डिसाइड किया गया एज अनडिवाइडेड विदाउट एनी पार्टीशन बट यहाँ पर प्रोविजन रखा गया थ्री जोन्स का और ये थ्री जोन्स थे ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप ए में था पंजाब बलूचिस्तान, सिंध, जो कि थे मुस्लिम मेजोरिटी जिसमें थे यूपी बिहार सेंट्रल प्रोविंस मद्रास और ये थे हिंदू मेजोरिटी एरियाज, फिर ग्रुप सी बंगाल और असम ये थे अगेन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज यहाँ पर प्रोविजन ये रखा गया कि ये तीनों ग्रुप्स ऑटोनोमस रहेंगे एक्सेप्ट इन द मैटर्स ऑफ डिफेंस फॉरन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन यहां पर प्रोविजन रखा गया कि इन तीनों जोन्स को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म करने का राइट right है और इन तीनों जोन्स का कॉन्स्टिट्यूशन ही मिलकर बनाएगा सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर इस प्लान में सेंटर की पावर्स को काफी लिमिट कर दिया गया काफी कम कर दिया गया और यहां पर जो इंडियन स्टेट्स के रूलर्स थे जैसे कि राजा या नवाब उनको यहां पर राइट दे दिया गया कि आप असेंबली के मेंबर्स चुनकर भेज सकते हैं कैबिनेट मिशन प्लान का दूसरा ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करना मीन्स एक ऐसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना सके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने का राइट इंडियन पीपल के बजाय दे दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को जो कि बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कमूनल इलेक्टोरेट और यहाँ पर कांग्रेस ने भी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जबकि कांग्रेस पहले डिमांड कर रही थी असेंबली में मेंबर्स का इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इसकी वजह थी इंडिपेंडेंस में डिले को अवॉइड करना तो जब असेंबली का इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स क्या रहे कांग्रेस यहां पर 210 में से 201 जनरल सीट्स जीत गई और मुस्लिम लीग 78 सीट्स फॉर मुस्लिम्स में से 73 सीट्स जीत जाती है तो मुस्लिम लीग जो की पहले से अपनी पाकिस्तान की डिमांड पर अड़ी हुई थी वो यहाँ पर सबको हैरान कर देती है बाय एक्सेप्टिंग द कैबिनेट मिशन प्लान और ये बेसिकली उन्होंने एक्सेप्ट किया ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पीपल बट इंडियन स्टेट्स के प्रिंस और प्राइमरी पार्टी कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं ड्यू टू वीक सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके रिएक्शन में मोहम्मद अली जिना लॉन्च करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान का क्या रिजल्ट रहा क्या कंक्लूजन रहा 2, 1946 को कांग्रेस एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करती है अंडर लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको बाद में मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेती है ब्रिटिशर्स के कहने पे। बट यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर डिस एग्रीमेंट के चलते कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो जाता है और इसके चलते क्रिएट होता है एक पॉलिटिकल डेडलॉक जिसको रिमूव किया जाता है बाय द डिविजन प्लान ऑफ इंडिया और बाय द बल्कनाइजेशन प्लान ऑफ इंडिया बाय लॉर्ड ऑन जून 3 सेवन तो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैबिनेट मिशन प्लान जब इंडिया में आया तो उस टाइम पर इंडिया के वाइस रॉय कौन थे इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेविल सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर आशा करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग ओके बाय